प्रभास की सालार मूवी आज फाइनली थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई एंड फाइनली आफ्टर साहो राधेश्याम एंड लॉर्ड आदिपुरुष ही हैज समथिंग बेटर ऑन हिज हैंड्स, जिसके लिए सुबह 5:30 बजे उठाऊ, नाश्ते में सिर्फ वेफर्स खाए, आने के बाद पूरा रिव्यू रिकॉर्ड कर लिया, तब पता चला कि कैमरे ने धोखा दे दिया, तो दूसरी बार रिकॉर्ड करने जा रहा हूं सीरियसली। लेकिन तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो पता होनी चाहिए कि सालार इज अ प्रशांत नील फिल्म, और ये जो प्रशांत नील द डायरेक्टर है उन्होंने एक फॉर्मूला क्रिएट किया हुआ जो कि KGF 1 के अंदर अच्छा काम किया, KGF 2 में भी, और वही सेम रीयूज किया गया सालार में। टीजर ट्रेलर देखकर जो अंदाजा आ रहा था फाइनल प्रोडक्ट भी वही है, बस स्टोरी और कैरेक्टर्स चेंज हुए हैं। उनको प्रेजेंट करने का तरीका, स्क्रीन पे दिखने वाले कलर्स, रिएक्शन शॉट, इवन एक्शन, सब एकदम सिमिलर स्टाइल, तो एक्सपेक्टेशंस वही लेके जाना, क्योंकि जिसने KGF नहीं देखी ना उसको ये मूवी काफी स्ट्रेंज लग सकती है। इसकी तरह हो तो PSA, एकदम डीप में जाके लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम हर बात पे, हर दिखाई हुई चीज पे, हर क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो फिर उसको थोड़ा एंजॉय कर सकते हो। जैसे कि प्रभास का स्क्रीन प्रेजेंस, उसी पे इन्होंने पूरी पिक्चर निकाली है, क्योंकि डायलॉग्स काफी मिनिमल। 2.5 घंटे के मार्क पे एक जेल वाला सीन आता है जहाँ पे वो अपने दोस्त को एक साथ 4 लाइन बोलते, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि ये बोला। अगर तुम वंडर कर रहे हो कि ऐसे कैसे हीरो ने कुछ बोला ही नहीं है, तो नहीं, डायलॉग्स हैं बट मोस्टली वन लाइनर्स, क्योंकि मेजॉरिटी काम साइड कैरेक्टर्स ने किया है। सालार एज अ होल तुमको इंप्रेस करे ना करे, बट एक चीज जो प्रशांत नील को काफी अच्छे से आता है, ऐसे मोमेंट्स, ऐसे सीन्स थोड़े टाइम के लिए सही बट क्रिएट कर देना जो एकदम से हिट कर दे। स्लो मोशन में हीरो को देखकर ऑडियंस ताली मारने लगे, जैसे कि अपनी मम्मी से परमिशन लेके गुंडों को पीटना, पीछे ऐसा 10-12 हाथ बन जाना, या फिर मूवी की एंडिंग जो कि प्रेडिक्टेबल है अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो। वर्ल्ड बिल्डिंग के मामले में तो ये KGF से भी एक स्टेज ऊपर जाती है इन टर्म्स ऑफ शीयर साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा जो पॉलिटिक्स चल रही है उसको समझने के लिए, क्योंकि काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जो उसको शेप दे रहे हैं। मुश्किल इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि ये सारी चीजें उन्होंने सेकेंड हाफ के अंदर क्रैम करी है, पहला हाफ अपना टाइम लेता है स्टार्ट होने के लिए ऐसे ट्रॉमा के ऊपर फोकस करके जो अपने को अगली पिक्चर में दिखाया जाएगा। प्रभास एक सीन में हाथ धोने आता है पानी से बट उसको खून दिखता है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर, इतना डीप जा रहे हो क्या? लेकिन नहीं, उतना डीप जाती नहीं, क्योंकि जिस मिस्ट्री पे ये स्टार्ट होती है ना वो 7 साल पहले की कहानी है, जिसको बताना शुरू ये इंटरवल के बाद ही करते हैं और उसका छोटा सा ही पोर्शन दिखाते हैं क्योंकि खत्म अगली पिक्चर में करना है। KGF मूवीज को मेंशन इसलिए कर रहा हूं ताकि तुमको आइडिया लग सके कि ये सालार किस लेवल पे है। दो चीजें जिससे लोगों ने बहुत ज्यादा कनेक्ट किया था, माँ बेटे के बीच का इमोशन और गरीबों का मसीहा वाला जो एंगल था बाय रॉकी भाई, वो लेवल सालार अचीव नहीं कर पाती। इस बार इमोशनल कोशेंट के लिए दोस्ती के ऊपर फोकस किया है एंड इट इज गुड इनफ बट नॉट ग्रेट। क्रिटिसिज्म मिली थी KGF को उसके लव एंगल्स के लिए जो कि इसमें ड्रॉप ही कर दिया, ऐसा छुआ भी नहीं। एक्शन म्यूजिक रवि बसूर का वही सिग्नेचर KGF स्टाइल है एंड इट ऑल्सो वर्क्स हियर, बट वो एक आइकॉनिक जो है ना कि नन्ना रे वैसा कुछ चाहिए था। लेकिन एक चीज जो रॉकी भाई वाले में भी फैन नहीं था और इसमें भी मैं इंप्रेस नहीं हुआ हूं, उसके अंदर का एक्शन ऑनेस्टली तुमको अच्छा लग सकता है, लेकिन वो जो स्टाइल है ना कि हिट लगने से ठीक पहले 2 कट डाल देना और उसके बाद एकदम सुपर स्लो मोशन में आदमी टायर के ऊपर गिर रहा है, जमीन में जाके लग रहा है और फॉलो थ्रू दिखाना, स्पीड रैम्पिंग का इतना एक्सेसिव यूज करना नॉट माई स्टाइल। हाँ, लेकिन मेकर्स ने इसको एक अपग्रेड जरूर दिया 18+ रेटिंग देके, वो भी जस्ट फॉर इट्स एक्शन। थोड़े सीन्स दिखाए जिसमें वो हाथ पांव सर काट रहा है, तो अगर तुम भी वैशी दरिंदे हो मेरी तरह मारकाट पिक्चरों में देखना पसंद है तो यू विल एंजॉय दोज स्पेसिफिक मोमेंट्स। ऑलमोस्ट 3 घंटे की पिक्चर है और झूठ नहीं बोलूंगा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा माइंड नम जरूर हो जाता है, जिसके पीछे का मेन कल्प्रिट की वो जो एपिक वाले मोमेंट्स है ना उसके ठीक पहले जो बिल्डअप दिया जाता है उसको खींच के लंबा रखा गया। तुमने अगर म्यूजिक ध्यान से सुना होगा और उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बज रहे हैं तो यूजुअली धीरे धीरे वो राइज होते हैं और एकदम जाके बीट ड्रॉप, जब ड्रॉप होती है तो बहुत मजा आता है, लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि वो राइजिंग वाले पार्ट जो कि 2 मिनट का एकदम ऑप्टिमम होना चाहिए था उसको 3.5 या 4 मिनट तक चलने ही दे रहे, तुम इंतजार कर रहे हो कि भाई अब जाके बीट ड्रॉप होगी, अब जाके ड्रॉप होगी, लेकिन नहीं, वेट करो, इवन आफ्टर यू गेट द पॉइंट कि क्या स्टेक पे फिर भी उसको घुमा के दिखाएंगे। और एक चीज जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ में आई कि मूवी की शुरुआत में स्पेशल थैंक्स रॉकस्टार यश लिख के आता है, मुझे लगा पिक्चर देखने से पहले पिक्चर वालों ने स्पॉइल कर दिया क्या, खत्म हो गई क्रेडिट्स आगे मैं बैठ के इंतजार कर रहा हूँ कि कुछ होगा, नहीं मेरे थिएटर में तो नहीं दिखाया भाई, अगर तुमने नोटिस किया तो कमेंट्स में बताना। फाइनली ओवरऑल ओपिनियन मेरा, मुझे KGF पसंद थी और सालार भी अच्छी लगी है, कुछ चीजों को लेके इसने अपना मार्क मिस कर दिया और इसका रन टाइम लंबा है। रॉकी भाई वाली मूवी जितनी अच्छी तो नहीं है बट मैंने इसको एक बार देख लिया, कुछ फीलिंग्स एक्सपीरियंस कर लिए और मेरा टाइम निकल गया। तो अगर तुम प्रभास के एकदम कट्टर फैन और उनको सेलिब्रेट करना चाहते थे बट पिछली मूवीज ने मौका नहीं दिया तो डेफिनेटली टिकट बुक करो, जाके देख के आओ। ये ग्रुप को साइड में रखने के बाद बाकी जनरल ऑडियंस के लिए ऐसा है कि अगर आपको एक एक्शन मूवी देखनी है वो भी KGF स्टाइल में थिएटर्स में, देन यू कैन चेक आउट सालार। एक्सपेक्टेशंस कैसे लेने, वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया होगा। अगर मुझे दोबारा देखना है तो मैं KGF घर पे देख लूंगा।